गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 15 ही पार्ट हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के पूरे हो चुके हैं। किसी एक बच्चे को, जो बच्चा नोवाइस है, जो बच्चा अभी अनएक्सपीरियंस है, जो नया नया बच्चा अभी जो है फील्ड में उतरा है कोचिंग करने के लिए, उसके लिए हम लोग काफ़ी कुछ कंटेंट दे रहे हैं और काफ़ी कुछ कंटेंट हमने अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है। तो आप कभी भी जो है उसको वॉच कर सकते हो। हर एक तरह का कंटेंट हम लोग बनाने की सोच रहे हैं ताकि बच्चा जब हमारे वीडियोस चैनल पे आए तो उसको हर एक तरह का कंटेंट मिले, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी सीरीज में मैं एक अगली कड़ी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उनको किसी उनके लिए कुछ एक ही वर्ड यूज़ होता है, उसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हमारे वोकैबुलरी के पार्ट में भी यूज़ होता है। अगर आप NDA, CDS, SSC, एयरफोर्स, नेवी का पेपर देंगे तो उसमें वोकैब्स का जो सेशन है ना, कभी वो वन वर्ड जो है वोकैब्स के सेशन में आ जाता है या फिर वो क्या कर देता है कि जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बीच में किसी वर्ड को अंडरलाइन करके पूछता है कि इसका वर्ड का मीनिंग बताइए हमें। तो या तो आपको वो पहले से पता हो, वो भी बहुत बढ़िया, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको या तो पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा या फिर उन चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, हम लोग पहला पार्ट करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, और हर पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पांच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन हम लोग पाएंगे कि कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा कैसे पाया जाए, है ना। ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे ऑब्वियसली बात है फिर तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा कैसे पाया जाए उसके बारे में डिस्कशन करें। तो चलो ये डिस्कस करते हैं। तो ये पहला वाला हमारे पास है, अ पर्सन हु केयर्स एंड हेल्प्स अदर विदाउट एनी बेनिफिट। ऐसा एक पर्सन जो क्या करता है, केयर करता है और हेल्प करता है किसी दूसरों को विदाउट एनी बेनिफिट, अगर बिना किसी बेनिफिट के। सेकंड कह रहा है हमारा, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। ये सेकंड वाला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑफनली कम्स इन आर एग्जाम्स, whether it is Navy, Air Force or CDS exam, it is very important to remember and it is very easy to remember also. On the third number, we have the one who eats flesh of human, flesh of animals. जो एनिमल का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, और एक ऐसा भी आता है जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है उसे क्या कहते हैं। फोर्थ वाला कह रहा है, अ मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट्स, मतलब क्या करेगा, उसको कुछ हैबिट ऐसी रहेंगी जो वुमन की तरह दिखता है, या फिर मान लीजिए जैसे बाल बड़े बड़े रखना, कानों में जो है कुंडल लगाना, नाक में फुली पहनना, या फिर और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। ऑन द फिफ्थ नंबर वी हैव द वन हु इज प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई पर्सन जो खाने का और ड्रिंक करने का शौकीन हो, ड्रिंक ही अकेला नहीं खाने का भी शौकीन हो, तो उसको हम लोग क्या कहें। तो आई होप कि आप लोगों को इनके आंसर पता होंगे, और नहीं पता होंगे तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में आए हैं। तो हम लोग इसको चेक करते हैं क्या बोलना चाह रहा है। एक बार मैं मीनिंग बता दूं, ऐसा पर्सन जो दूसरों को हेल्प करता है या फिर केयर करता है दूसरों की बिना किसी बेनिफिट के, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, और हिंदी में इसे परोपकारी कहेंगे। और एक और हमारे पास आता है फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, और एक इसका इडियम्स भी होता है गुड स्मार्टन, जिसे कहते हैं गुड स्मार्टन, उसका भी मतलब होता है अ गुड ह्यूमन बींग। चलिए जरा दूसरी तरफ की चले, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, ऐसा पर्सन जो अपना डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, अपना कर्ज नहीं पे कर सकता, उसको हम लोग क्या कहेंगे। द वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो हम लोगों को देखना है। तो जरा देखें, ऐसा पर्सन को हम लोग कहेंगे इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट, बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट, तो इसको हम लोग लिखेंगे, या तो आप लिखिए इसे इंसॉल्वेंट या इसे लिखिए बैंकक्रप्ट, जिसे आपने GS में पढ़ा होगा ना कि वो दिवालिया ना हो, वो दिवालिया यही है, बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट, है ना। जिसने पैसा तो लिया है गवर्नमेंट से या किसी पर्सन से लेकिन चुका नहीं पा रहा है उसको अपना कर्ज। द वन हु ईट्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का मांस खाता है, अब हम लोग भी खाते हैं, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बोला क्या जाता है, इनको बोलते हैं हम लोग कार्निवोरस, और हर्बीवोरस कहते हैं जो क्या कहते हैं वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स के पे डिपेंड रहते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। अ मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट,
ऐसा कोई पर्सन जो वुमेनिस क्वालिटी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट आप अगर आप साइंटिफिक नेम पढ़ते होंगे, बायोलॉजी आप पढ़ते होंगे, तो फेमिनाइन आपने सुना होगा। फेमिनाइन, फेमिनाइन किसको डिनोट करता है? फीमेल जेंडर को, और यहाँ पे उसी से रिलेटेड है एफिमिनेट। लास्ट वाला हमारे पास बच गया, द वन हु इज़ प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। वो क्या करता है, एक तरह से आप इस पर्सन को ऐसा भी कह सकते हैं कि ये खाने पीने का शौकीन है ना, अलग अलग तरह की चीज़ें खाता रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपिक्योर। एपिक्योर, और एपिक्योर के नाम से ना आपने बहुत सारे, एपिक्यूरियन के नाम से आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे। रेस्टोरेंट का नाम कहीं पे एपिक्योर अगर आया हो, एपिक्यूरियन अगर आया हो, तो आप समझ जाना कि ये खाने और पीने से रिलेटेड है, ईटिंग और ड्रिंकिंग से रिलेटेड है। तो ये पांच हमारे पास हो गए, आप इनका हिंदी भी याद कर सकते हैं। तो पहले वाले का हिंदी होगा द पर्सन हु केयर्स एंड हेल्प्स अदर विदाउट बेनिफिट, उसको हम लोग अल्ट्रुइस्ट कहेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट उसको कहेंगे, परोपकारी जिसे कहेंगे। लेकिन परोपकारी बेटा हिंदी में तो ठीक है, लेकिन जब हम पेपर देंगे तो इंग्लिश में शायद ही हमारे पास ऐसा कुछ आए। सेकेंड, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, ऐसा कोई पर्सन जो कर्ज नहीं पे कर पाता उसको हम लोग इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है ऐसा कोई जो एनिमल्स का मांस खाता है उसको हम लोग कार्निवोरस कहेंगे। फोर्थ, हमारे पास ऐसा कोई जो वुमन की हैबिट रखता है, वुमनिस क्वालिटी रखता है, उसको हम लोग एफेमिनेट कहेंगे। ऑन द फिफ्थ नंबर वी हैव ऐसा कोई पर्सन जो क्या करता है, प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने का बड़ा शौकीन हो, पीने का बड़ा शौकीन हो, उसको हम लोग कहेंगे एपिक्योर। तो ये पांच हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, ये पहला पार्ट है, आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। ये सारे सिनोनिम, ये ईडियम जितने भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, ये सारे किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने के चांसेस भी हैं। तो इसी तरीके से हम इस सीरीज को भी बाकियों की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद।